नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओमेप्रेन कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ओमेप्रेन कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और ओमेप्रेन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओमेप्रेन एक ब्रांड नेम है। ओमेप्रेन कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ओमेप्राजोल 20 mg होता है। ओमेप्रेन कैप्सूल पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। ओमेप्रेन कैप्सूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अल्सर होने पर ओमेप्रेन कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। ओमेप्रेन कैप्सूल को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट दर्द या पेट में अल्सर हो सकती है, इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी डॉक्टर ओमेप्रेन कैप्सूल को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए आपका डॉक्टर ओमेप्रेन कैप्सूल को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा ओमेप्रेन कैप्सूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी ओमेप्रेन कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओमेप्रेन कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ओमेप्रेन कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द होना, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन होना, सिर दर्द होना, शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना व दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ओमेप्रेन कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक ओमेप्रेन कैप्सूल का सेवन करने से, यानी कई महीनों या कई सालों तक ओमेप्रेन कैप्सूल को लेने से शरीर में विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ओमेप्रेन कैप्सूल को 2 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार ओमेप्रेन कैप्सूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। ओमेप्रेन कैप्सूल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब ओमेप्रेन कैप्सूल का सेवन लगातार 1 साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से ओमेप्रेन कैप्सूल को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन डी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओमेप्रेन कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओमेप्रेन 20 mg कैप्सूल को दिन में 1 बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। ओमेप्रेन कैप्सूल को खाना खाने से कम 1 घंटे पहले लेना चाहिए। ओमेप्रेन कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ओमेप्रेन कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओमेप्रेन कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं
महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओमेप्रिन कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओमेप्रिन कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ओमेप्रिन कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।